हेलो नमस्ते, मैं हूँ नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रू योग में। आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जो आपको स्लिप डिस्क का पेन है उसको रिलीफ दिलाएंगे और धीरे धीरे जो आपका स्लिप डिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपको एक कुशन लेना है या पिलो भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से लेट जाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप और धीरे धीरे पैरों को स्टार्टिंग में 2 से 3 सेकंड और फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा के 5 सेकंड 10 सेकंड तक आप यहाँ पे होल्ड करिए। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप, इसमें पैरों में थोड़ा सा गैप देते हैं जिससे जो आपकी बैक है जो और उसमें ज़्यादा प्रेशर ना आए। और धीरे धीरे से इस तरीके से उठना है। दो से तीन सेकंड तक आप यहाँ पे रुकिए, फिर हाथ को थोड़ा सा आगे और फिर सेम यहाँ पे भी 2 से 3 सेकंड और फिर थोड़ा और आगे और इस तरीके से स्टार्टिंग में हर जगह बस 2 से 3 सेकंड तक रुकना है। धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ा के इसको 5 से 10 सेकंड तक करना है। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन जो होता है वो जो प्रॉपर होता है वो होता है इस तरीके से। लेकिन आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है और बैक पेन है तो आप इस यहाँ तक शायद ना कर पाए और इतना करना स्टार्टिंग में ठीक भी नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए इस तरीके से, यहाँ पे 2 से 3 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे वापस और ऐसे कर करके हमें इस तरीके से धीरे धीरे, अगर यहाँ तक जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसको हम इस तरीके से भी धीरे धीरे से कर सकते हैं, जितना पीछे जाए, ज़्यादा पीछे ना जाए, स्टार्टिंग में दर्द नहीं तो बढ़ भी सकता है आपको। धीरे धीरे 2 सेकंड तक होल्ड करके वापस, स्टार्टिंग में 2 से 3 बार कर लें और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाएं। उसके बाद 2 मिनट तक बटरफ्लाई कर लें इस तरीके से, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। इससे करने से क्या होता है, जो आपके जो लेग्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, जो आपकी लोअर बैक है उसमें जो पेन है स्लिप डिस्क का वो उसमें रिलीफ मिलेगा। इसको करने से जो आपकी बैक है वो बिल्कुल, जो लोअर बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट रहती है। एक तरीके से जो आपके स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसको ये एक्सरसाइज, उसमें उसकी एक्सरसाइज होती है। इस तरीके से स्टार्टिंग में 2 मिनट तक कर ले। इसका भी आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट तक करने के बाद स्टार्टिंग में बस 2 मिनट करें, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा के 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम इसमें आपको बहुत हेल्प देंगे। उसमें आप ओम का उच्चार कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जायी और भस्त्रिका आप इसमें कर सकते हैं। और हो पाए तो आप जो लोटस पोज है, पद्मासन है, उसमें बैठ के करिए। वो आपको बैक में, बैक के पेन में भी आपको हेल्प करता है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से आपको बैठ के करना है, इसको हम लोटस पोज बोलते हैं। और अगर स्टार्टिंग में आपके जो लेग्स हैं अगर इतने फ्लेक्सिबल ना हो और आप इस तरीके से ना बैठ पाए तो ज़बरदस्ती मत करिएगा। आप एक एक पैर से धीरे धीरे आप इस तरीके से एक एक पैर से कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैठ के करिए। इसको करने से जो आपका स्लिप डिस्क है धीरे धीरे उसका पेन में एकदम, कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो सब प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो जाएंगी। और रेगुलर करने से 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका जो स्लिप डिस्क है वो उसमें आपको बिल्कुल रिलीफ आ जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
जिनको स्लिप डिस्क है बस एक चीज का ध्यान रखें, आगे झुकने वाला कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी योग आसन ना करें और कोई भी भारी सामान ना उठाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्ते।